हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरु जी कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को शुरू से इंग्लिश पढ़ानी या आपको इंग्लिश बोलनी सिखाऊंगा कि हम इंग्लिश कैसे स्पीक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज तो फ्रेंड्स मैंने ऊपर लिख दिया है इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। तो मैं आपको इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ। अंग्रेजी एक भाषा के रूप में तो फ्रेंड्स ये देखे मैंने इसकी हिंदी भी नीचे लिख दी है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा के रूप में। सबसे पहला है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है साउंड साउंड। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि साउंड हम किसे कहते हैं, साउंड हम ध्वनि को कहते हैं। दे देखिए मैंने नीचे लिख दिया साउंड ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड होती है, साउंड होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है साउंड की जो डेफिनेशन होती है, ये सबसे फर्स्ट पार्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड होती है, यानी कि ध्वनि होती है। तो जो हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड वे है लेटर, लेटर यानी कि अक्षर, जो इसकी डेफिनेशन है ये भाषा की मूल इकाई होती है, ये भाषा की मूल इकाई होती है। और जो इसके सेकंड है वे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिन्हें दो भागों में बांटा ना जा सके, उन्हें हम अक्सर यानी कि लेटर कहते हैं, लेटर आप सभी को इसकी जो हमारे सेकंड पार्ट है लेटर यानी कि अक्षर, मैंने आपको इसकी भी डेफिनेशन लिखवा दी है। तो मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि ए, हम इसे दो भागों में नहीं बांट सकते, जैसे कि ए प्लस ए, तो हम इसको दो भागों में नहीं बांट सकते क्योंकि एक अक्षर है जिन्हें हम दो भागों में नहीं बांट सकते। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि एक ही ऐसे लिख दी और फिर ऐसे, तो हमें ये हमारा गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इन्हें दो भागों में नहीं बांट सकते। तो मैंने आप सभी को इनकी भी डेफिनेशन लिखवा दी है। अब मैं इससे इसका थर्ड पार्ट पढ़ाता हूँ आप सभी को।
जो हमारे सेकंड पार्ट था, हमने अभी तक सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं इसका थर्ड पार्ट पढ़ाया हूँ। जो हमारे थर्ड पार्ट है इसका वर्ड अक्सर वर्ड होता है शब्द दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षर के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं जैसे कि के प्लस बे प्लस ऊ प्लस ते प्लस रे बराबर, क्योंकि ये एक एक शब्द है और ये मात्रा, तो जो दो या दो से अधिक सब अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। के भी एक अक्षर है, बे भी एक अक्षर है, और ये मात्रा है ये भी अक्षर है, और जो ते है ये भी अक्षर और ये भी, तो इसका जो मिल करके बनेगा वो होता है कबूतर। कबूतर ये देखिए, जो अभी हमारा कबूतर बन गया, और जो इसी की डेफिनेशन है उसमें भी होएगा दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, जिसका अपना एक अर्थ होता है, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया है कि आपको मैंने वर्ड की जो डेफिनेशन है मैंने आपको यह बता दिया है, दो या दो से अधिक अक्षरों यानी कि लेटर के मेल को शब्द कहते हैं, जिसका अपना एक अर्थ होता है, जैसे कि कबूतर। और जब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट वे है सेंटेंस यानी कि वाक्य, वाक्य देखे मैंने भी लिख दिया है। अगर आप सभी को नहीं पता है कि हम सेंटेंस यानी कि वाक्य किसे कहते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वाक्य हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, जैसे कि रोहन खाना खाता है, क्या वह एक कार नहीं है, क्या वह एक गेंद नहीं है, तो ये देखिए मैंने आप सभी को बता दिया है। अब मैं आप सभी को इसकी डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को, वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहन खाता है। जैसे कि मैंने आपको इसका जो हमारी डेफिनेशन है मैं आपको एक बार फिर से ये भी पढ़ करके बता देता हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जैसे कि रोहन खाना खाता है। हमारा भी ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट बताऊंगा, फिर देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है भी है स्टोरी स्टोरी यानी कि कहानी। स्टोरी को हम हिंदी में कहानी कहते हैं। मैं इसकी भी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, बहुत या बहुत या कुछ वाक्यों से बनने वाली कहानी कहानी स्टोरी कहलाती है। स्टोरी कहलाती है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम कहानी किसे कहते हैं, हम कहानी स्टोरी को कहते हैं। बहुत या कुछ वाक्यों से बनने वाली कहानी स्टोरी कहलाती है, जिसका अपना एक अर्थ होता हो उसे हम स्टोरी या कहानी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को स्टोरी की भी डेफिनेशन बता दी है। अब हमारे एक पार्ट्स कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड्स प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। जल्द हाजिर होगे इसी गुरुजी कोचिंग सेंटर पर। थैंक यू।